मैं राम प्रसाद यादव एडवोकेट, जिला कलेक्टर बार एसोसिएशन, निर्विरोध अध्यक्ष। दादा ये बताइए, पहले जो आप लोग कार्यकाल देखते थे प्रशासनिक और वकीलों का, क्या मेल मिलाप हुआ करता था पहले के अधिकारियों में, आज के अधिकारियों में क्या देख रहे हैं, और जो चुनाव हो रहे हैं अभी हाल ही में विधानसभा में, पहले के चुनाव में आज के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप, किस तरह की राजनीति हो गई है? अब तो जो राजनीति हो रही है जी, अब वो पिछले राजनीति से बहुत भिन्न है। और हमको तो लगता है कि जो भी प्रदूषण है, ये प्रदूषण हर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, तो राजनीति में भी प्रदूषण की वजह से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। लोग अपनी मानसिकता जो है बदल करके, मतलब जो है कुछ अलग तरीके की कुछ मानसिकता आ रही है, उसको हम नहीं बयां कर सकते हैं। तो अब यूँ कह लीजिए कि जातिवाद का ज़्यादा मतलब जो है परिलक्षित हो रहा है अपने इस चुनाव वगैरह में। और जहाँ तक आपकी अधिकारियों के बीच के अधिकारियों का भी ऐसे बार और बेंच का सहयोग बराबर रहता था, लेकिन अब बार की तरफ से दूरी बना रखते हैं जो है प्रशासनिक अधिकारी। अब जिस तरीके से जो सामंजस्य होना चाहिए वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। लक्ष्मी शंकर बाजपेयी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन राजनीति। आप पहले भी रहे यहाँ अध्यक्ष? हाँ। सरकार, हम जो है सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें रहती, कभी उम्मीद पूरी हुई है आप लोगों की? देखिए, सरकार की कुछ अपनी मजबूरियाँ रहती हैं, और उस मजबूरी के तहत जो है जो भी वो चाहती है पूरा करती है अपनी जिम्मेदारी। और अधिवक्ता तो स्वतंत्र तबीयत का आदमी होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, सबकी आवश्यकता स्वयं पूरी करता है इंडिपेंडेंट। हाँ पूछिए। आए दिन प्रशासन से आप लोगों का छोटे छोटी बातों को लेकर बातचीत चलती रहती है, वो क्लाइंट को लेकर चलती रहती है। अधिवक्ता का स्वयं जो है किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, वो तो जनहित में जो है प्रशासन से बात करता है और प्रशासन के सामने जनहित की समस्याएं रखता है। अपनी स्वयं की उसकी कोई समस्या नहीं है, वो तो खुद जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हिस्सा है और खुद जो है। आपने पहले के प्रशासनिक जो अमला था, पहले जो आते थे अधिकारी, और आज के अधिकारियों में कितना अंतर देख रहे हैं आपके? देखिए, अधिकारी जब तक उसके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है तब तक कोई कार्य नहीं कोई कर सकता है। पहले के अधिकारी बहुत ही संवेदनशील थे, दूसरे की परेशानियों को समझते थे। 50 किलोमीटर से कोई आता था तो समझते थे कि 50 किलोमीटर से आया है दौड़कर अपना गेहूं धान बेच कर जो है ये, तो इसका कार्य होना चाहिए। लेकिन अब इस तरीके की संवेदनशीलता बहुत कम पाई जाती है, और यही कारण है कि बहुत कम जो है कलेक्ट्रेट में निर्णय होते हैं और बहुत कम जो है कार्यवाही होती है। अक्सर जो है यहाँ पर हड़ताल वगैरह जारी रहती है। तो हमारा तो ये कहना है कि संवेदनशीलता और कार्य व्यवहार में अगर अच्छाई लाएंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ओपी यादव एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। आप ये पहले बताइए कि किसे अभी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पहले के चुनाव में और आज के चुनाव में राजनीतिक क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? अब पहले के चुनाव में आज के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर हो गया। पहले सेवा भाव से चुनाव होते थे और शुद्ध रूप से व्यवसायिक चुनाव हो गया है, स्वार्थ सहित हो गया है। और जिस पेशे से हम लोग हैं इसमें भी बहुत अंतर आ गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जज का जब ये सपना होगा कि हम रिटायरमेंट के बाद किसी राज्यसभा में चले जाएं, उनका ये सपना होगा कि हम कहीं के राज्यपाल बना दिए जाएं, तो स्वाभाविक है कि वो सही निर्णय नहीं दे पाएंगे, सरकार के पक्षकार बन के रह जाएंगे। और यही कारण है कि पहले देश में न्याय होता था, फिर निर्णय होने लगे, अब निर्णय प्राप्त किए जाने लगे। जो सरकारी विभाग हैं उनमें यूनियन होती है, पहले जब चुनाव होते थे तो वो अपने कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते थे, आज के जो यूनियन हैं वो किस तरह का आप देख रहे हैं? यूनियन के नेता सिर्फ अपने लिए यूनियन का दुरुपयोग करते हैं। पहले भी नहीं, पहले नहीं, आज की तारीख में कम से कम 2 दशक पहले तो वो कर्मचारी के हित में लड़ते थे, और आप इस हित में लड़ते हैं कि हमारा कैसे काम बने, हमारे परिवार के लोगों को कैसे नौकरी मिल जाए, हम किस तरीके से डिपार्टमेंट से
अर्थ का दोहन कर सकें, इस पे चल रहा है।